नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल स्मार्ट टेक एंड ट्रिक्स पर। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल को कैसे स्पाई कैमरा या सीसीटीवी कैमरा बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। आप इसके वीडियो के नीचे भी देख सकते हो सब्सक्राइब बटन, और उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। दोस्तों, मोबाइल को कैसे स्पाई कैमरा बनाया जाता है ये वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखें। दोस्तों, ये वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आप शॉर्ट रेंज में कैसे कर सकते हो और लॉन्ग रेंज में कैसे करते हो। जैसे ऑफिस में आप रहते हो या बाहर कहीं रहते हो तो आपके घर में क्या हो रहा है वो कैसे देखोगे, ये वीडियो में भी यही टूल से ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखें, आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आपको क्या करना है, अपने मोबाइल पर अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है आईपी वेबकैम, जो कि आपको स्पेलिंग में स्क्रीन पर देख सकते हो। स्पेलिंग आपको टाइप करना है आईपी वेबकैम बोल के। अभी आप जितने भी सॉफ्टवेयर देख रहे हैं उसमें से आपको वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसके नीचे, मतलब आईपी वेबकैम के नीचे लिखा हुआ है पावेल क्लोबिच बोल के, उसी को आपको इंस्टॉल करना है, जो कि पहले से मेरे मोबाइल में इंस्टॉल्ड है। आपको अभी दिखाता हूँ ये कैसे किया जाता है। फर्स्ट तो दोस्तों, आपको आईपी वेबकैम को खोल देना है, जो एप्लीकेशन आप देख सकते हो। तो पहले आप देख सकते हो रिजोल्यूशन है, अब उसे आप HD में सेट कर सकते हो, जैसे आपको रिजोल्यूशन पसंद है उसे सेट कर सकते हो। यहाँ पर क्वालिटी लिखा हुआ है, फोटो रिजोल्यूशन है, ओरिएंटेशन है, बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख के इसे सेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे अभी के लिए मैं आपको इतना ही बताता हूँ ये कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नीचे देखते हो स्टार्ट सर्वर है, इसके ऊपर क्लिक कर लें। जो स्टार्ट सर्वर है उसका मतलब है आपको ये एप्लीकेशन स्टार्ट करना है, तो मतलब कैमरा वर्किंग होने के लिए। तो अभी आपको स्टार्ट सर्वर में क्लिक करना है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो ये जो स्क्रीन पर एक आईपी एड्रेस आ रहा है, जो नंबर आ रहा है ना http://192.168, ये एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो कि ये ऑफलाइन यूजर को मिलता है। तो दोस्तों, ये जो नंबर है ये आपको नोट करके लिखना है, ठीक है। ये नोट करके लिखना है इसलिए ये आपको आगे चाहिए, ठीक है। तो इसको आप अभी नोट कर लो दोस्तों। और एक बात है कि इसके बाद जो लाइव वीडियो आएगा वो बहुत मोबाइल में भी आ सकता है और पीसी में भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी पीसी में कर रहा हूँ तो आपके मोबाइल में नहीं होगा, आप सेम सेटिंग मोबाइल में करो उसमें भी लाइव वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो को पूरा देखते रहें तो आप समझ जाओगे। ओके गाइस, अभी आप देख सकते हो मेरा स्क्रीन जो मोजिला फायरफॉक्स का स्क्रीन है, ये लैपटॉप में मेरा खुला हुआ है। तो आप सेम थिंग आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हो, ठीक है। मोजिला रहे या क्रोम रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी ब्राउजर में आप कर सकते हो। और एक बात दोस्तों, अगर आपके घर में वायरलेस रूटर है तो बेटर है, अगर नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है, आप जो मोबाइल में अपना कैमरा ऑन रखे हो वो मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन कर दो बिना इंटरनेट का। इंटरनेट ऑन करने कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हॉटस्पॉट ऑन करो, ठीक है। हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद जो सिस्टम आप देखना चाहते हो उसके साथ वो हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर दो, ठीक है। वो हॉटस्पॉट को कनेक्ट करने के बाद, जो कि फिलहाल आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन में ये कनेक्टेड है, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद जो आईपी एड्रेस आपने मोबाइल पर देखा था ना, क्या था वो आईपी एड्रेस, 192.168.43.1:8080, ठीक है। इसको आपको खोलना है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ना जो स्क्रीन खुला हुआ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ ओपन स्ट्रीम इन मीडिया प्लेयर, उस पर आपको क्लिक करना है। दूसरे ऑप्शन को आप खुद देख सकते हैं, लेकिन ओपन स्ट्रीम इन मीडिया प्लेयर इसी में आप देख सकते हो वीडियो को, लाइव वीडियो को। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लो। करने के बाद जो आप ये स्क्रीन देख रहे हो ना, इसमें ओपन विथ VLC मीडिया प्लेयर कर देना, ये बेटर रहेगा। VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल जो शो कर रहा है, इसमें क्लिक करने के बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद आप कुछ देर वेट करना। ओके, अभी आप देख सकते हो ये स्ट्रीम हो रहा है, पूरा लाइव वीडियो शो कर रहा है। इस तरह ये स्ट्रीम होते हैं, बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, आराम से करना है। देख सकते हो इसमें वॉइस भी रिकॉर्डिंग होता है, आप HD क्वालिटी आप जो पहले बताया था वहाँ पर रिजोल्यूशन था उसे आप बढ़ा सकते हो, बढ़ा के आप HD करवा सकते हो, आपके हिसाब से भी रख सकते हो। लेकिन हाँ, इतना याद रखना इसमें थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा खाता है, तो आप ऐसे करना इसे चार्ज में बैठा कर ही इसे यूज़ करना, जो मोबाइल को आपको रखना है जो जगह में भी। ये तो दोस्तों था आसपास के लिए, मतलब शॉर्ट रेंज के लिए, ज़्यादा दूर के लिए ये नहीं था। तो अगर ऑफिस ज़्यादा दूर है या घर आप जाना आना डेली नहीं कर सकते तो ये कैसे हो सकता है दोस्तों, यही टूल में ये हो सकता है। तो देखते हैं ये कैसे होता है।
दोस्तों सेम थिंग है, आपको सेम ऐप खोलना है, स्टार्ट सर्वर क्लिक करना है, लेकिन फर्क इतना है सिर्फ आपको इंटरनेट ऑन करना है, ठीक है। इसमें आपको इंटरनेट ऑन करना है और उसके बाद स्टार्ट सर्वर करना है। अब फर्क ये होगा, देख सकते हो आप, यहाँ पर जो आईपी एड्रेस आ रहा है ये आईपी एड्रेस पब्लिक रहेगा, ठीक है। उस टाइम प्राइवेट था वो, प्राइवेट आईपी एड्रेस या पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है आप इंटरनेट में चेक कर सकते हो, या मैं एक और एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आपको समझाने के लिए। लेकिन यहाँ पर है जो आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस आप कहीं से भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके दोस्तों, अभी सेम थिंग क्या है, आपको वही ब्राउजर खोलना है, जो आईपी एड्रेस शो किया उसको यहाँ टाइप करना है। फर्क इतना, और एक बात याद रखना, इस बार आपको नेट ऑन करना है, ठीक है। नेट ऑन करके वो आईपी एड्रेस को एंटर करना है, ठीक है। आईपी एड्रेस को एंटर करना, उसके बाद आप सेम थिंग वीएलसी प्लेयर से या कहीं से भी ओपन करके वीडियो देख सकते हो। ओके दोस्तों, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मैं उसको सॉल्व करने जरूर ट्राई करूंगा और आपको पर्सनली उसको बताऊंगा ये कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ओके दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अगर ये चैनल ये वीडियो जैसे पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों ये चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। यहाँ पर एक आइकॉन आता रहेगा, वहाँ पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको सारे वीडियो के अपडेट जो नए हम लोग अपलोड करते हैं, कुछ भी हैकिंग ट्रिक्स के बारे में, नया टेक्नोलॉजी के बारे में, सारे बातें आपके मेल आईडी पर सेंड हो जाते हैं, ठीक है। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।